हमारे यहाँ एक अजीब सा हैरत अंगेज सा माहौल बनाया जाता है कि एक बाबा जी गांव तकिया लगाए बैठे हैं। लोग बंदे ने जाके उससे अपनी मुश्किल बताई है, बाबा जी ने थपकी दे के कहा जा पुत्र खैर हो जाएगी, तो फिर खैर हो गई। और ये एक बाकायदा माहौल बनाया जाता है। फिर वो बाहर निकल के बाहर जो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनको आके बताता है कि मैंने दुआ कराई थी तो इनकलाब आ गया है। ये तसव्वुर नहीं है, ये तसव्वुर कमज़ोर है। रब के बंदे का तसव्वुर ये होता है कि वो सहरी में उठ के ना अपने रब से जुड़ जाता है, वो अपने मालिक के हुजूर अपनी आजजी को पेश करता है। वो कभी भी किसी भी खुशफहमी का शिकार नहीं होता। जितना ऊंचा होता जाता है उसका मकाम, उसकी तबीयत में उतनी आजजी पैदा होती चली जाती है। जितना वो समझदार होता जाता है उतना उसके दिल में अपनी शख्सियत के बारे में खौफ ज़्यादा पैदा होता जाता है। जितनी उसकी जिम्मेदारियां अल्लाह के बंदे की बढ़ती जाती हैं उसकी हसासियत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। आप कुरान पाक देखिए, मुत्तकीन की बात की अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में, फरमाया ये जो मुत्तकी है ना परहेजगार, ये भला मेरे से जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं? फरमाया अल्लज़ीना यकूलूना रब्बना इन्नाना आमन्ना। रब फरमाते हैं मुत्तकी लोग अपने मालिक की बारगाह में अर्ज करते हैं, वो कहते हैं ए हमारे रब हम तुझ पर ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। मुत्तकी परहेजगार हैं, अल्लाह की बारगाह के बरगुजीदा हैं, लेकिन कहते हैं अल्लाह हम ईमान लाए फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे वकीना अज़ाबन नार हमें अपने अज़ाब से महफूज फरमा। या अल्लाह ये कौन बंदे दुआ मांग रहे हैं? कोई मुजरिम है, कोई माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला फासिक है, कोई नाफरमान है, कोई चोर डाकू है, कौन है? अगली आयत में रब करीम ने खुद बताया ये जो मुझसे कह रहे हैं ना या अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे हमें अपने अजाब से बचा, अगली ही आयत में अल्लाह फरमाता है भला ये कौन है? अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानतीन वलमुनफिकीन वल मुस्तगफिरीन बिल असहार। फरमाया ये जो रात को उठ उठ के मुझसे माफियां मांगते हैं ना ये सब्र करने वाले लोग हैं। वस्सादिकीन ये सच्चे लोग हैं। फरमाया वल कानतीन ये अदब वाले लोग हैं। लोगों तुम्हें पता है ये सुबह झुके हुए हैं और मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। वल मुनफिकीन ये राह खुदा में खर्च करने वाले लोग हैं। और रब फरमाता है वल मुस्तगफिरीन बिल असहार ये सहरी के वक्त उठकर मुझसे बख्शिश मांगने वाले लोग हैं। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाज़ा। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है ये रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी सुतिया भी आन जगावे। सुबह उठते कामिलीन के औसाफ समझे क्या हैं, जो अल्लाह के कामिल बंदे हैं उनका वस्फ क्या है? वो साबिरीन हैं, वो सादिकीन हैं, वो कानतीन हैं, वो मुनफिकीन हैं, वो सहरी के वक्त उठ के अपने रब से माफियां मांगने वाले लोग हैं। उनकी सोबतों में आप जाएंगे तो आप भी साबिरीन बनेंगे, सादिकीन बनेंगे, कानतीन बनेंगे।